अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 था 27 अक्टूबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। जोहल और अतारत तमाम माह आपके दर्जे के आठवें घर में रहते हुए आपके वरासती और इंश्योरेंस जैसी उमूर को काफी हद तक आपके हक में तब्दील कर सकेंगे, जबकि मुश्तरी की दर्जे के चौथे घर में मौजूदगी की बिना पर आपको घरेलू और जाती सवारी के सुख के अलावा जमीनों जायदाद के जो जारी उमूर हैं उनमें भी आपको बहुत सारी आसानियां जो है वो मुयसर आ सकेंगी, जबकि 19, 20 और 21 अक्टूबर को मरीख नेपच्यून मुकाबला के जेर असर दूसरों के साथ नजरियाती इख्तलाफ और सेहत मुतासर होने का अंदेशा जो है वो लाहक हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अक्टूबर को आपके बैरून मुल्क जो भी तय किया हुआ आपका या प्लान जो सफर है ट्रेवलिंग है अब्रॉड की उसमें ताखीर हो सकती है। 22 अक्टूबर को अपने तमाम मामलात में जल्दबाजी से बचने की कोशिश कीजिएगा वरना यह आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। 23 अक्टूबर को नसीब याबरी करने से आपको कामयाबी का उसूल मुमकिन हो सकेगा। 24 अक्टूबर को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन होने से आपकी परेशानी में कमी आ सकेगी, जबकि 25 अक्टूबर को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 26 अक्टूबर को आपके शराकती कामों को यानी पार्टनरशिप बेस्ड जो भी काम है उनको फरोग मिल सकेगा, उनमें बेहतरी आ सकेगी, जबकि 27 अक्टूबर को आपके हाफदीन का खात्मा मुमकिन होने के अलावा आपको अपने दोस्तों का ताउन भी हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सात असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरजोरा 8 से 31 अक्टूबर जायजा के आठवें घर में मौजूद होगा, जिससे आपके कानूनी और शराकती उमूर जो है उनमें आपको फवायद का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपके लिए बेहतरी के जो इम्कान हैं वो भी काफी हद तक वाजे हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अक्टूबर को आपकी आमदनी में खातरखा इजाफा हो सकेगा, जबकि 22 अक्टूबर को आपका कोई इनाम निकल सकता है। 23 अक्टूबर को घरेलू मामलात आपकी खास तवज्जो के मुस्तहिक हो सकते हैं। 24 अक्टूबर को आपके शराकती काम जो है आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को तवील मुद्दती सरमायाकारी जो है यानी जो लंबे अरसे के लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसको कर ऐसा जो मामला दरपेश हो तो उस वक्त आपको अच्छी तरह से सोच विचार से काम लेना होगा, उसके वेयर अबाउट देखिएगा, कहीं प्रॉफिट लॉस को समझिएगा ताकि बाद में किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो सके। 26 अक्टूबर को अपनी उमूर सलीबख्श तरीके से अंजाम दीजिएगा ताकि किसी तरह का पछतावा आपको लाहक ना होगा, यानी बाद में रिग्रेट ना आए कि ये क्या कर लिया किस तरह कर लिया, तो इसको जरा तसली से देख लीजिएगा। 27 अक्टूबर को आपके दोस्त अहबाब जो है वो आपके मददगार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हकम सारा अतारत तमाम दर्जे के छठे घर में रहते हुए यकम तक 21 अक्टूबर मुस्तकीम हालत में होगा, जबकि जिसकी वजह से आपको अपने मातहत अफराद से जो मरासम है वो खुशगवार बनाने में या उनको अच्छे तरीके से डेवलप करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, जबकि 22 से 31 अक्टूबर अतारत के रुजत में होने की वजह से आपको अपनी सेहत के बारे में इतिहास से काम लेना होगा और हुकाम बाला के साथ खाम खा की बहस से भी गुरेज करना होगा। खाना माल में मुश्तरी की तमाम मौजूदगी की वजह से आपकी माली पोजिशन जो है वो बेहतर हो सकेगी और अपनी आमदनी में इजाफा के लिए आप अपनी कोशिशों को भी कामयाब बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अक्टूबर को बहन भाइयों और दोस्तों का तामन आपको हासिल रहेगा। 22 अक्टूबर को खुश अखलाकी से काम लेकर कई एक अच्छे काम जो है वो सर अंजाम दे सकेंगे, जबकि कई नए दोस्त भी आपके हलका में शामिल हो सकेंगे। 23 अक्टूबर को आपकी सकाफती और माशरती तकरीबात जो है उनमें शिरकत करने के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 24 अक्टूबर को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 25 अक्टूबर को आपके कुछ ऐसे कामों को फरोग मिल सकेगा जो आपकी आमदनी में इजाफे का बाइस बन सकेंगे। 26 अक्टूबर को आपके माली मिसाइल और परेशानी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 27 अक्टूबर को घरेलू मामलात में आपको अपने बहन भाइयों का ताउन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए भी साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।